क्या बात है। फर्स्ट या सेकंड वीक में देखो कोशिश है बना लेंगे, बट आपसे गारंटी यही चाहिए कि बात बाहर ना निकले, बस 200% गारंटी और बोलो जबान है बस। चलो फिर जब टिकट कराऊंगा आपको बता दूंगा। सारी तैयारियां करके निकल गए हैं आप। जसुकर रेडी हो? फिर एक्साइटेड? चले? ओके चलो। सामान रखा जा रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं। आ गए अंदर एयरपोर्ट के, अभी सब क्लियर नहीं करा, अभी लगेज के साथ ही है, टोटली लगेज हमारे पास है। सो वी आर डन विद सिक्योरिटी चेक। वैसे वैसे खुशी हमारी बढ़ रही है, ये देखो लड़की की स्माइल, ये देखो। हमें ये नहीं पता था कि इंडियन पासपोर्ट पे भी इमिग्रेशन होती है, यहाँ भीड़ लगी हुई है, ये सारे इंडियन पासपोर्ट वाली खड़ी हैं, उसके बाद लगेज मिलेगा। ये अलग प्रॉब्लम डाल दी है, हर एयरपोर्ट पे तो ऐसा होता है उतरो और जाके अपना चला लो, यहाँ पे ये हो गया कि आपका ये इंडियन नंबर है तो उस पर जाके करो, नहीं तो फिर यहाँ पर आके इनसे चालू करवाओगे। ये लाइन लगी हुई है वाईफाई की स्लिप लेने के लिए, अच्छी सिरदर्दियाँ डाल दी हैं, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी थी ये, मेरे को समझ नहीं आई। आओ यहाँ से लिप निकालो, पासपोर्ट दिखा के उसके बाद आपका वाईफाई चलेगा। लगेज सारा आ गया, इन्होंने लगेज उठा लिया, इतनी देर में गया था थोड़ा सा ड्यूटी फ्री से सामान लेने, सामान आ गया ड्यूटी फ्री से, फ़ायदा ये हो गया मेरा SBI का कार्ड चल गया, यहाँ भी पासवर्ड याद आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और सुनाओ। ये पहले ये वाली मैडम को तो आओ जी, आओ जी। और मैडम क्या हाल है? डॉली बिंद्रा। आइए 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 आइए। बर्थडे मनाएंगे। किसका बर्थडे? मेरा बर्थडे है क्या? टाइम है तू तो रहने दे। मेरा बड़ा भाई अंकित, ये विशाल होने वाला, ये मेरा भाई विशाल, और ये जैस्मिन मैं मिल ली। थैंक यू थैंक यू। तीनों ने लिया भाई, पुलकित तो ये छोड़े है ना, आप तो तीनों हो गए यार। थैंक यू थैंक यू। केक तो क्या था? वेलकम टू इंडिया। तू भी खा ले। वेलकम बैक। आते हैं यार, कोई रेड लाइट फॉलो नहीं करनी, गाड़ी चलानी, कोई पुलिस वाले का डर नहीं, कोई मर्जी करो यार, कोई टिकट टिकट नहीं यार। चले बोलो जय माता दी। थोड़ा पहले राइट से लेफ्ट में गए थे, अब लेफ्ट से दोबारा राइट में आए हैं, तो थोड़ा हाथ एक आध दिन में हो जाएगा सर। कोई बात नहीं।
ये लोग आ गए हैं और मैं अंदर से बैठ के आराम से देख रहा हूँ। मैंने कहा एक बार अंदर बैठ जाएं, उसके बाद ही मिलने बाहर जाता हूँ। और मैंने फ़ोन से ही अंदर से कैमरा मैंने कर लिया गेट से हटा के सोफ़े की साइड, और फिर चलते हैं इन लोगों से मिलने। सो देखते हैं इनका कैसा रहता है रिएक्शन आबू का और भाभी का। चलें फिर ऑफर लेके चलूँ। हेलो, मैंने तो कल ही बोला था कि ये आएगा, मैंने इसको मैसेज कर दिया था। मैंने कहा तू आ गया। कौन आ गया? ओ इतने कल ही बोले चाचू। हां मेरे पुत्र आई हो, तू अपने बर्थडे पे आएगा। ये लड़की है जो रुक नहीं पाई, हमें था कि हम रात तक रोकेंगे, बट ये भाई को इतना प्रेशर है। मेरे पूछो, मैं एयरपोर्ट लेने आया भाई, तुम्हें ये मेरे पे शक कर रही थी, यानी रात को ये कुछ करने गया अलग से। इसको इसको रोटी भी अब मिलेगी घर जाके जब इसने बताया। और मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैंने पहले बोल दिया था कल की तुम फ्लाइट में है। स्मार्ट देखो सारे हैं, बट मैंने फ्लाइट में भी चैट पैक इसलिए ले रखा था कि पता ना लगे कि हाँ इन कॉन्टेक्ट नहीं है इतने घंटों के लिए। ये सो रेडी हो गए हम सरप्राइज देने जाने के लिए। चले फिर, चलो भाई चलो। रेडी रेडी क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको बोला तो था अब कोई वीडियो कोई फोटो नहीं करनी अभी तक? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार सारे इकट्ठे आ जाओ, एक बार सारे इकट्ठे आ जाओ सामने। मेरे वालों तो जितनी मेहनत करते हैं तो जा भाई, जाओ तुम जाओ, हम बना रहे हैं। जाओ तो मिले आओ आओ भले जाओ, कोई नहीं, मिलने दो उनको अच्छे से पहले। मिलने दो सबको, अपने मन की पसंद डालने दो। अब कब आएंगे बर्थडे बॉय? अब के कर आराम से कब आएंगे हम? बताओ बताओ कब आएंगे? कब आए हो? 5 जनवरी मेरे बेटे के बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू, happy birthday to you, पास हो जाऊं। पापा सरप्राइज का आइडिया दे रहे हैं, दोपहर को सो रही थी, उसके मम्मी के साथ आके सो जाना था। ये बताओ जब यहाँ सबको एक साथ देना था तो वहाँ कैसे दे पाते? आइडिया तो और भी थे और अच्छा लगा, और देना था हमें बिल्कुल बर्थडे वाले दिन, सरप्राइज अच्छा लगा। और बाय चांस हमने प्लान टिकट बर्थडे वाले दिन की नहीं करी थी, वो बाय चांस हमने बाद में देखी। मम्मी कह रही है सरप्राइज अच्छा लगा, सरप्राइज तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फोन पे मम्मी ने बहुत झूठे वादे करे हैं, बच्चों यहाँ आ जाओ मैं ये बना के खिलाऊंगी, ये बना के खिलाऊंगी, खिलाएगी तुम्हें घिया तो रिटेंडे। कह रही है बेटा अब तो आ गया, हाथ फेर फेर के कह रही है बेटा अब तो तू आ गया, अब तेरे को मैं बताऊंगी। अब को जानते हैं जा रहे, जितने इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो सारे अब को जानते हैं।
नहीं करते आप फॉलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। और रही बात जो सरप्राइज सोचा था कनाडा से आते ही ऐसा सरप्राइज होना चाहिए, एक्चुअली वो वैसा सा हो गया। डिनर हो गया डन, सरप्राइज हो गया बहुत बढ़िया। आए थे हम सैंडोज और खाना तो बढ़िया ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और भैया को हम छोड़ के गए थे जो ऐसे भागते उतरते थे, अब देखो कितनी इनकी स्पीड स्लो रखी है। सब आप आबू को डेली देखोगे हमारे साथ ही। ये 4647 47 निकाल, ये चलो।